लोग नौकरी लेने जाते ही नहीं, नहीं जा पा रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो गया यार, आप नौकरी लेने गए कि नहीं? सुनिए सुनिए, नौकरी लेने कहीं गए? सुनिए, ये जब ये प्राइवेट सेक्टर की ही बात कर रहे हैं तो साला सरकार क्यों बनाना यार, बंद कर दो सरकार। नौकरी लेने कभी गए नहीं और कह रहे कि रोजगार है नहीं? भाई मैं मजदूरी करने क्यों जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा कॉलेज बीए एलएलबी की पढ़ाई, पढ़ने जाऊंगा बीटेक की पढ़ाई, और ये चाहे ये चाहते हैं कि मैं हेल्परी करूं। अरे हेल्परी की वैकेंसी भैया खुली है, वो तुम्हारे लिए है, जितनी क्वालिफिकेशन तुम्हारी होगी उसी हिसाब से नौकरी देख रहे हो, वही दिख रही हो, ढूंढ रहे हो, घूम रहा है, बीएससी करा खुद हूं मैं, बेकार। 10 साल पहले ये नेट जो चला रहे हो, हर मिनट मिनट के समाचार सुन रहे हो, ये सिस्टम पहले था या ना था? बिल्कुल था, हा? बिल्कुल था, शायद इन्होंने चाचा ने देखा ही नहीं होगा। मैं तो ना सुन लेता। मोबाइल कब आया पता है आपको? मोबाइल कब आया और किसने लाया, किसने लाया, किसने लाया, किसने लाया? ये तो पता नहीं है, ये तो पता नहीं है ना, इसीलिए तो आपको पता नहीं, 14 के बाद ही इनको पता लगा होगा मोबाइल का। तसलर धर के सर पे जाऊंगा मैं। अरे बहुत नौकरी करना नहीं चाहते हो? कौन सा कौन के? बहुत नौकरी है। का मोदी जी ने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है जी? क्या जी, क्या जी, ठेकेदारी में करूंगा क्या? पढ़ा लिखाया, पढ़ा लिखा हूँ, 20-16 लाख रुपया खर्चा किया। यहाँ ताली बजा रहे थे 370 के पहले, जम्मू कश्मीर, अब भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज जाती थी, कितनी पैकेज जाती थी बताएंगे इसमें से एक भी? जितनी तालियां बजा रहे थे ये सारे खड़े होकर के जो यहाँ रोज नौटंकी करते हैं, सच से बहुत दूर है, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता। आप कह रहे हो बोलो, बिल्कुल भैया, हमारे यही पसंद है कि मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, हाँ कुछ भी हो जाए आएंगे, आप कहो या ना कहो भैया, ए बेटा आप कहो या ना कहो मोदी आएंगे, आपकी पसंद, हाँ हाँ मोदी। सुनिएगा ना, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2022 तक हर घर पक्का मकान होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, ये बड़े वादे थे। मैं ये नहीं कहता कि किसने बोले, लेकिन अगर बोलेगा तो पूरे होने चाहिए कि नहीं? आपका प्रश्न है, आप क्रमवाइज जवाब ले लो, ठीक है? पहला प्रश्न अभी आपने क्या कहा? अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन हमारा है देश का, कई चीज बता दिए, दो चार चीजें जिनको आप गिनने में भूल जाते हैं, किसानों के लिए राशन के, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन है, अच्छे दिन नहीं है किसानों के? अच्छे दिन है, सवाल का जवाब ही लेते हैं ना, लंबा हो जा रहा है, किसानों के अच्छे दिन है? बिल्कुल किसानों को अच्छे दिन है, जब आंदोलन होता है और कई सौ किसान मर जाते हैं, यहाँ की मौजूदा सरकार उनकी मौत पर संवेदना तक नहीं जताती, तो किसानों के अच्छे दिन है ही। दूसरा क्या अच्छे दिन है? और सुन लो, सुन लो, किसानों की बात जो कर रहे हैं, किसान ऐसे भी किसान है जो हथियार लेकर के आए थे आंदोलन करने, और लाल किले पे जाके तलवार ला रहते थे, वो भी किसान थे, वो इनके किसान थे। हम उस किसान की बात नहीं करते, हम उस ढांचे की बात करते हैं, गांव के रहने वाले हैं जो वास्तव में किसान हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप उन किसानों की तो बात करेंगे ना जो आत्महत्या करते हैं? हाँ, किसान की परिभाषा नहीं जानी है। सुनो, सिराज जी, इन्होंने किसान की परिभाषा नहीं, किसान कभी हथियार नहीं उठाता, ठीक है? किसान कभी हथियार नहीं उठाता, इन्होंने शायद। दूसरा, चलिए चलिए, मान ली किसानों पर हो गया, उसमें वादे हुए थे जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार, कौन सा 2 करोड़ रोजगार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के होते मिल गए 2 करोड़, ठीक है? 2 करोड़ ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 करोड़ से ज्यादा मिल गए। वापिस करिए ना, देखो कितनी हंसी आ रही है, देखो मैं ये भाई ऐसा, एक होता झूठ, एक होता सफेद झूठ, इन्होंने सफेद वाला बोला, 2 करोड़ रोजगार मिले हैं, ज्यादा ही मिले 2 करोड़, वो जब ये सोते हैं सपने में ये रोजगार बांट देते हैं मोदी जी के। आप वापिस करिए रोजगार, वापिस करिए। अरे रोजगार है कहाँ, मैं तो ये 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, हमें दिखा दे कहीं, लिखित दे दें, रोज रोज सुन लो, रोजगार इतना है कि मैं फिर भी बता रहा हूँ, आज से भविष्य में भी ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही सबको मिलेगी, रोजगार प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों पेट में ही कहाँ है, सवाल तो यही है, वही मैं बता रहा हूँ, सुनो दिल खोल के और आत्मध्यान। अरे सुन लो, एग्जाम्पल क्या दोगे, सुनोगे नहीं? सुन लो यार, नौकरी मिल रही है, मोदी नहीं दी ये दे रहे, ऐसे जो है तकलीफ आपको हो रही है इसलिए सुन नहीं रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में इतनी कंपनियां हैं, वो जो है मजबूर है, मजबूर है कि वो रोजगार लेने उनके तक लोग पहुंचते नहीं, वो मीडिएटर रख रहे हैं, लोग नौकरी लेने जाते ही नहीं, नहीं जा पा रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो गया यार, आप नौकरी लेने गए कि नहीं? सुनिए सुनिए, नौकरी लेने कहीं गए? सुनिए, ये जब ये प्राइवेट सेक्टर की ही बात कर रहे हैं तो साला सरकार क्यों बनाना यार,
बंद कर दो सरकार। नौकरी लेने कभी गए नहीं और कह रहे कि रोजगार है नहीं। भाई मैं मजदूरी करने क्यों जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा कॉलेज बीए एलएलबी की पढ़ाई, पढ़ने जाऊंगा बीटेक की पढ़ाई, और ये चाहे ये चाहते हैं कि मैं हेल्परी करूं। अरे हेल्परी की वैकेंसी भैया खुली है, वो तुम्हारे लिए है, जितनी क्वालिफिकेशन तुम्हारी होगी उसी हिसाब से नौकरी देख रहे हो, वही दिख रही हो, ढूंढ रहे हो। घूम रहा है बीएससी कराओ, खुद हूँ मैं, बेकार तसलर धर के सर पे जाऊंगा मैं। अरे बहुत नौकरी करना नहीं चाहते हो, कौन सा कौन के? बहुत नौकरी का मोदी जी ने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है जी। क्या जी, क्या जी, ठेकेदारी में करूंगा क्या? पढ़ा लिखाया, पढ़ा लिखा हूँ, 20-16 लाख रुपया खर्चा किया, मतलब नौकरी प्राइवेट में बिल्कुल है, सरकारी में बस भी। ये कह रहे हैं शिक्षित, डिप्लोमा शिक्षित नहीं है, आईटीआई शिक्षित नहीं है, ये नहीं अफेयर्स नेप्स में किया। महंगाई को लेकर क्या तो सुन लो, नेप्स में गवर्नमेंट कह रही है ग्रेजुएशन हो 12,000 सैलरी है। अच्छा एक देखिए, आप सुनिए सुनिए, आपने देखिए तमाम चीजें कह दी, जरा एक मिनट आ जाओगे, आगे आ जाओ, एक चेहरे दिखाइए जरा बढ़िया से ऊपर से नीचे, ये जरा एक मिनट रुक जाइए आप, देखिएगा नहीं, एक बस आखिरी सवाल लूंगा फिर जाइएगा। ये भी यूथ है, यूथ हो, नौकरी लेने तुम जाते नहीं हो और कहते हो कि नौकरी है नहीं, क्या सही है? एक बात बताइए, नौकरी है कहाँ पहले तो ये बताइए। बहुत ज्यादा तुम करना नहीं चाहते, ये कह रहे हैं ट्रेन बेच डाला, बेच डाला हवाई अड्डा, और अगर आप बीए नहीं सुधरे तो मोदी जी हाथ में थमा देंगे ना कटोरा, ठीक है? अगर नौकरी होती ना, एक मिनट, अगर नौकरी होती ना, एक मिनट, अगर नौकरी नहीं, अगर नौकरी होती ना तो ये जो यहाँ पे भी खड़े हैं ना, ये भी सब बिजी होते ना, कि अपनी बात जो आप लोगों को बताते मीडिया को, ठीक है? अगर रोजी होती, सबके पास काम धंधे होते तो ये लोग पता है अभी यहाँ पे खड़े नहीं होते आपको, मतलब कि बताने के लिए कि हमारी बात सरकार तक जाए। बहुमत से अखिलेश को लोग सत्ता में ले आए और फिर उसी तरह बुरी तरह पराजित करके पवेलियन वापस कर दिए, तब जो है जनता विरोध में नहीं खड़ी थी, आज इनको दिख रही है। क्या कर भाई साहब, जो पार्क में आदमी बैठेगा तो उसे कहाँ बेरोजगार मिल जाएगा? ऐसे ऐसे जो है लोग बेरोजगारी दूर करने लगे तो 70 साल देश आजाद हुए हो गया था, क्यों रह गई बेरोजगारी? अभी लोग से कौन सर फोरवाए, कौन सर फोरवाए? 370 नहीं हटा था, उसके पहले कश्मीर के लिए कितने पैकेज जाते थे बताएगा कोई? ये जितने यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं बताएंगे कितने पैकेज जाता था? पर यही है, यहाँ बकवास खड़ा होकर क्या करना है? एक सीधा सवाल है, नहीं जिस तरीके से देखिए देश में, सुनिए 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 सुनिए, सरकार होती है जो सत्ताएं चलाती है, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है कि कहता है रोजगार और महंगाई, तो दो चीजों के लिए हम सवाल यही करते हैं कि दोनों क्या वाकई में है या फिर राजनीतिक सवाल है? ये राजनीतिक सवाल है, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ देश बचाओ, बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ, समझे? आपके नेट पर सर्च करोगे इंदिरा गांधी का बयान है, उन्होंने गरीबी के लिए काम किया, देश की प्रधानमंत्री थी। मैं किसी भी वरिष्ठ नागरिक का या चाहे जितने बड़े भाई सम्मान है, अशब्द बोलना कोई बहादुरी नहीं होता, गलत बोलना किसी भी सरकार के लिए, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती है, कोई अधिक कोई कम, किसी के लिए गलत बोलना सही नहीं होता। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने गरीबी के लिए काम किया होगा, बेरोजगारी के लिए किया होगा, लेकिन गरीबी बेरोजगारी रही। ये ऐसा अभिशाप है देश आज़ाद होने के बाद से और अब तक, हमारी संख्या भी बढ़ रही है। भाई रुक जाओ, हमारे कमाने के संसाधन, हमारे स्रोत सीमित हैं, हमारी जनसंख्या अनलिमिट हो रही है, हमारे रोजगार पाने वालों की संख्या अधिक है। सरकारें किसी की भी हो, ये जो समस्या है मूलभूत रहेगी रहेगी, महंगाई रोजगार को समस्या रहेगी, किसी में कम किसी में ज्यादा। सवाल फिर इसलिए उठ जाता है कि अगर हम वर्तमान की सरकारों के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी या फिर कांग्रेस, सत्ता कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, जनता मालिक है, जनता देश है। एक चीज है, 2014 चुनाव में एक नारा बड़ा फेमस हुआ, मंचों से कहा गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, ठीक है? अगर वाकई में ये जड़मूल समस्या है, खत्म नहीं हो सकते महंगाई रोजगारी बेरोजगारी, तो फिर इसको चुनावों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ना? राजनीतिक दल इसको मुद्दा क्यों बनाते हैं? अभी आपने बोला ना ये राजनीतिक मुद्दा है, हर नेताओं का, हर पार्टी का, हर राजनेताओं का, जो भी हो, सत्ता हो विपक्ष हो, सब खेल खेल, ये राजनीतिक मुद्दा रहेगा, किसको इसी के लेना देना नहीं, बस राजनीतिक मुद्दे। हाँ, समझना पड़ेगा जनता को, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जितने यहाँ ताली बजा रहे थे
370 के पहले जम्मू कश्मीर, अभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज जाती थी, कितनी पैकेज जाती थी बताएंगे इसमें से एक भी, जितनी तालियां बजा रहे थे ये सारे खड़े होकर के जो यहाँ रोज नौटंकी करते हैं, सच से बहुत दूर है। इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता, आप कह रहे हो बोल लो, बिल्कुल जानकारी आनी चाहिए। इनसे तो पूछ रहा हूँ ना, इनसे सवाल करो कि 370 जब था जम्मू कश्मीर का, देश का कितना पैसा स्पेशल जाता था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर कांग्रेस का भी सरकार रही, मैं मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बीजेपी और उनका रहा, मुफ्ती महबूब मोदी वाले गवर्नमेंट भी रहा, हाँ जब तक ये 370 नहीं हटा था, राज्यपाल शासन नहीं होता तब तक इनका भी था। कितना पैसा यहाँ से पैकेज जाता था जो जम्मू कश्मीर में खर्चा हो जाती थी, वो देश का ही पैसा, वो रुका हम लोग का ही टैक्स जाता था ना, कितना पैसा वहाँ खर्चा होती थी। आज तक वहाँ विधानसभा का, अरे नगर निगम का, पार्षद का, जिला परिषद का, मुखिया का, वार्ड का कोई चुनाव हुआ था? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितने ताली बजा रहे थे, मैं बोलूँगा वही है क्या है, बिल्कुल बोलिए, अपनी पसंद रखनी चाहिए, सवाल देखिए फिर वही, आप तो बोलवाओगे लेकिन यहाँ लड़ाई का झगड़ा का जड़ खाई नहीं होगा, अपनी बातों को रखना, लोकतंत्र में ये प्रक्रिया है, लड़ना है, मैं कह रहा हूँ ना, जितने यहाँ बेरोजगारी की रोना रो रहे हैं उनसे पूछो ना कि जम्मू कश्मीर, एक सवाल एक ही उठा, आपने कश्मीर का मुद्दा कहा वो सॉल्व हुआ, ठीक है ऐतिहासिक फैसले हुए, लोग कह रहे कि ऐतिहासिक फैसला, तो सवाल ये सुन लीजिए, फिर उस पर रोज चर्चा क्यों नहीं होती है, सवाल जवाब क्यों नहीं करते, खाली बेरोजगारी का रोना रोते हैं। मैं आखिर ये मुद्दा नहीं, इस पर बात नहीं होना चाहिए, ये कश्मीरी समस्या पर जब सुनिए मोदी जी ने किया तो उसका स्वागत हुआ ताली बजा करके, तो क्या उसके बाद अगले मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने जब बोला था गरीबी हटाओ देश बचाओ तो ताली नहीं बजी थी, बिल्कुल बजी थी ना, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटा दिया, इनको पता है सत्ता से ऐसा बोला था, सत्ता से चली गई है, सत्ता से चली, भाई जो नहीं काम करेगा वो कल सत्ता से जाएगा, यहाँ हम रहे हैं कि सत्ता से सवाल होना चाहिए ना, सत्ता से सवाल होगा, उचित सवाल करो ना, खाली बेरोजगारी पर करोगे, जम्मू कश्मीर पर क्यों नहीं करते, उसका स्वागत हुआ ना, एक मिनट, जब आदमी भूखा मर पे नहीं करेंगे, हम अपने इंडिया पे करेंगे सवाल, हम क्यों करें बाहर के देशों की बात, हम अपने इंडिया की बात करेंगे, कौन सा बात किया भाई, कौन से बाहर का, हाँ भैया हमारा दो प्रश्न है आपसे भैया, 10 साल पहले ये नेट जो चला रहे हो, हर मिनट के समाचार सुन रहे हो, यह सिस्टम पहले था या ना था? बिल्कुल था, हा? बिल्कुल था, शायद इन्होंने चाचा ने देखा ही नहीं होगा, नहीं नहीं सुन, मैं तो ना सुन लेता, मोबाइल कब आया पता है आपको, मोबाइल कब आया और किसने लाया? ये तो पता नहीं है ना, इसीलिए तो आपको पता नहीं, 14 के बाद ही इनको पता लगा होगा मोबाइल का, इससे पहले पता ही नहीं लगा होगा, और शायद आपको ज्यादा पता नहीं है जो मोबाइल आप चला रहे हो। अच्छा एक सवाल है, मोदी और राहुल गांधी में आपकी पसंद क्या है, क्यों पसंद? हाँ मोदी पसंद है, अच्छे काम, हर काम में उसका हमें पसंद पड़ रहा है, काम अच्छा है ना, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, भुखमरी 111 आने वाला है, 2024 में इनके हाथ में कटोरा आने वाला है, इसीलिए इन्हें अच्छा लग रहा है, भूल गए थाली पकड़ी थी।